हम जब छोटे होते थे ना तो तुरई के पेड़ होते थे, पेड़ नहीं होते, तुरई की बेल होती थी, पेड़ नहीं होते तुरई के, और वो हमारे गूलर के पेड़ यानी कि फिग ट्री के ऊपर चढ़ी होती थी हमेशा तुरई। और हम लोग तुरई को देख के एक्साइटेड इसलिए होते थे क्योंकि तुरई जब सूखती थी ना तो सूखने के बाद फिर उसके बीज निकालती थी बीजी, और उसके बाद फिर उसका लूफा बनता था। लूफा है मतलब रगड़ रगड़ के मल मल के नहाने के लिए इस्तेमाल होते थे। तो बच्चों को बोलते थे चलो 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 तुमको अच्छे से नहला के साफ करते हैं, तो तुरई का जो नेट होता है उससे घिसते थे। तब हमें सब्जी सब्जी के बारे में कैसे बनती है तो नहीं पता था, लेकिन लूफा के बारे में पता था। लेकिन आज मेरे को लूफा के बारे में पता है और सब्जी के बारे में पता है, इसलिए सब्जी बनाते हैं। Calling and action. जो तुरई है, जो हमारे यूपी की तुरई है, हिंदुस्तान में भी क्या करें, खाना जो है लाइन खींच देते हैं कभी। यूपी की, पंजाब की, बिहार की, एमपी की तुरई है, वो तुरई नरम होती है, छोटी होती है और सॉफ्ट होती है। और उस तुरई को आप बस ऐसे नाइफ से यूं यूं बस पील कर दें, उतना ही बहुत है। लेकिन ये जो है ये महाराष्ट्र की तुरई है, शिराड़ी बोलते हैं इसको। इसकी स्किन जो है वो हार्ड होती है। तो आप इसको नरम तुरई की तरह ट्रीट करेंगे, अच्छे से छीलेंगे नहीं, तो आप खाने जाएंगे तुरई और एकदम हार्ड स्किन से आपके दांत में हो जाएगा दंत मंजन, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, बताया था रणवीर ने। हाँ अब ये इसके जो छिलके हैं ना ये फेंकने नहीं है, ठीक है जी। घर के बाहर गाय, भैंस, बकरी, अगर बकरी नहीं है घर के बाहर तो इसको ऐसे ही चटनी बना सकते हैं इसकी। तो इसकी चटनी बनाने के लिए इसको शैलो फ्राई कर लीजिए। उसके बाद जैसे ठेचा बनता है ना, मूंगफली, तिल, सूखी लाल मिर्च, वो डाल के और बढ़िया से इसका ठेचा बना लीजिए, ठीक है। नारियल भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे ही लीजिए और इसको पानी में उबालिए। पानी में उबालते समय डालिए काली मिर्च, काली मिर्च के साथ में डालिए अदरक, अदरक के साथ में डालिए थोड़ा शहद, चुटकी भर नमक, और ठंडा करने के बाद पीजिए उसको, मज़ा आ जाएगा। चलो जी मैं आ रहा हूँ वो बकरी को डाल के। वो क्या है, हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है जी। एक थोड़ी बुजुर्ग है बीच में तो इसलिए थोड़े बीज निकाल लेते हैं उसके। ज़्यादा बुजुर्ग मत लीजिएगा, हाँ उनको आराम करने दीजिए, लूफा बनने दीजिए उनसे, मतलब समझ गए ना, मतलब जोक्स अपार्ट, बड़ी तुरई नहीं लेनी बेसिकली। इसके लिए दो प्याज बहुत है, स्लाइस। अगर आप प्याज नहीं डाल रहे हैं तो फिर आपको दूध वाली बनानी पड़ेगी, मतलब हींग, जीरे, हरी मिर्च और अदरक का तड़का लगाना है, उसके बाद पकाना है, मसाले डालने हैं, फिर लास्ट में दूध से फिनिश करना है। तो दूध की मिठास जो है वो काम आएगी, लेकिन अगर आप प्याज खाते हैं तो प्याज की मिठास को काम में लाना है, ठीक है जी। ब्यूटिफुल। ये हरी मिर्च जो है ये तीखी नहीं है, इसलिए मैं मोटी मोटी काट रहा हूँ और तीन इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप तीखी वाली हरी मिर्च यूज़ करें तो प्लीज़ छोटी छोटी काटें और तीन की बजाय दो या एक ही इस्तेमाल करें। हेलो जी, हर शुभ काम की शुरुआत घी से। ये लो जी, जीरा और सौंफ, दो भाग जीरा एक भाग सौंफ। सौंफ इसलिए क्योंकि सौंफ ये जो पूरी फैमिली है ना, गोर्ड फैमिली, चाहे लौकी है, घिया है, या तुरई है, या कोई भी गोर्ड है, उसका बड़ी अच्छी जाती है, ठीक है जी। जैसे ही ये चटकेगी वैसे ही गई हींग, उसके बाद जिंजर, गार्लिक एंड ग्रीन चिली, बस हल्का सा गार्लिक की जो रॉनेस है ना, कच्चापन, वो मारना है, यानी कि मीडियम ऑयल में डाल के 2 मिनट के लिए पका लीजिए। उसके बाद अगर आपकी पेशेंस कम हो रही है तो फिर 10 तक गिन लीजिए। हाँ चलो जी, इसको भी ब्राउन नहीं करना, इसका जो टेक्सचर है वो जूसी करना है। जूसी यानी कि जैसे ही इसकी स्किन बिल्कुल हल्की सी लाइट ब्राउन होगी वैसे ही मसाले जाएंगे और तुरंत के तुरंत तुरई चली जाएगी, ठीक है जी। ब्यूटिफुल, देखिए लाइट ब्राउन हो गया ना बाहर से। अब डालना है नमक। हर घर की मसालेदानी जो है वो हर घर की पहचान होती है। हमारे मसालेदानी ऐसी होती थी, धनिया पाउडर 2 में होता था,
एक में था साबुत जीरा, एक में होती थी मिर्ची, एक में होता था एक में होती थी हल्दी, एक में होता था नमक। बस इतने में हमारा काम हो जाता था, हल्दी मिर्ची और धनिया। और क्या खाना बनता था ऐसा। ये बहुत बड़ा टॉपिक ऑफ रिसर्च है कि किस तरह मसाले दानियों के ज़रिए पूरे पूरे कल्चर्स बदल गए। कई बार बहुत समय तक कई इंग्रेडिएंट्स ग्रो ही नहीं करते थे आपके रीजन में, तो आपके पास होते ही नहीं थे। धीरे धीरे जैसे वर्ल्ड ग्लोबलाइज हुआ या वो इंग्रेडिएंट आपके रीजन में आया तो आपके मसालेदानी में आ गया। सो द स्पाइस बॉक्स इज एन इनरोड इनटू समथिंग मच बिगर। हल्का सा चला रहा हूं ताकि जो मसाला नीचे है वो ऊपर आ जाए, बस ताकि जले ना बस। बाकी तुरई अपना पानी छोड़ेगी, प्रोग्राम अपना चालू कर लेगी अपने आप। अब क्योंकि तुरई ने इतना पानी छोड़ना था इसलिए इस मसाले को प्याज के साथ भूनना जरूरी था, क्योंकि एक बार तुरई डाल दी तो वो भुनेगा नहीं। इसलिए हल्दी मिर्ची धनिया प्याज के साथ भूनना बहुत जरूरी है। हल्का सा पानी, एक छींटा बस, ऑप्शनल है, बट मैं जब भी मसाला डालता हूँ तो थोड़ा सा पानी ऊपर से डाल देता हूँ ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो इवनली बट जाए। बस हो गया जी, अब लगाओ ढक्कन एंड थैंक यू वेरी मच। अब जो है एक बार तुरई पक जाएगी ना तो इसके अंदर टमाटर डालूंगा मैं खटास के लिए। आप चाहें तो हल्का सा नींबू भी डाल सकते हैं, अच्छा आइडिया है, लेकिन टमाटर से रंग भी आएगा ना, और टमाटर अगर आप लास्ट मिनट डालते हैं तो फिर उसकी खटास और उसकी ताजगी आती है। अगर टमाटर पका देते हैं आप तो उसकी मिठास और उसकी जैमिनेस आती है, तो यहाँ पर खटास और ताजगी के लिए यूज़ करना है। देखिए प्याज है ना एकदम जूसी जूसी हो गया, ओह टू गुड। थोड़ा नमक, अगर आप श्रिम्प डालना चाहते हैं ना तो अभी सही वक्त है, छोटा वाला श्रिम्प होता है ना वो डाल दीजिए टमाटर के साथ में, फट से वो फूक मार के पक जाता है, इसलिए उसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, सेम चीज़, अभी आपने टमाटर डाल दिया तो अभी समझ लीजिए कि तुरई अब पकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि टमाटर की खटास जो है वो तुरई को पकने नहीं देगी, इसलिए टमाटर तभी डालना है जब आप कन्फर्म तरीके से ये पक्का कह सकते हैं कि तुरई पक चुकी है। बीच में बस एक आधी बार चला दिया, बस ज़्यादा नहीं चलाना है इसको, गैस कर दीजिए बंद, बाकी अपनी भाप में पक जाएगा। अभी अगर वड़ी वड़ी होती ना, वड़ियाँ, लेकिन वो पंजाबी वड़ी नहीं, वो जो मसूर वड़ी होती है या उड़द दाल बॉडी होती है जो, वो इसके साथ फ्राई करके हल्की सी ऊपर डाल दीजिए, टेक्स्चर कॉम्बिनेशन आउटस्टैंडिंग। अगर वड़ी नहीं है तो पापड़, जब इसको सर्व करें तो पापड़ रोस्ट करके डाल दें एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी ऊपर से, अमेजिंग कॉम्बिनेशन, फेल नहीं होगा मेरी गारंटी है। बारीक बारीक कटना है जी, बारीक बारीक दबा के, हाँ धनिया ठोक के, ये भी मेरे को बीजी से नशा लगा है धनिया का, भी बीजी ठोक के डालते थे, मतलब बीजी की कोई भी सब्जी है ना लास्ट में इसमें फ्रेश धनिया जाता था तो उनके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती थी और पूरा घर वो ताज़े धनिया से महकता था। और धनिया हमारा अपना ही होता था, घर में उगाते थे धनिया और पुदीना दोनों, तो इसलिए वो धनिया डालने की मेरी आदत वहाँ से पड़ गई। लेकिन इसमें वैसे भी अच्छे से जाएगा, ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती आपके ऊपर थोप रहा हूँ धनिया। देखो जी एकदम घर जैसी प्लेटिंग कर रहे हैं हम, हैं घर जैसी सब्जी है। बचपन के दिन भुला ना देना, किसी को बचपन में नहीं अच्छी लगती, चलिए वो तो बचपन था, अब तो मोहब्बत कर लीजिए इससे। ये हमारा मंकी ऑन द माउंटेन, पहाड़ के ऊपर बैठा बंदर अर्थात धनिया। जो खाने का तरीका है ना जी उसको, ये लिया उसके ऊपर डाली फ्राई वड़ी या वो ड्राई श्रिम्प या फिर ये उड़द दाल पापड़, यस ठीक है ना, ऐसे सूंघ के आपको चढ़ाया फिर दिखा दिखा के खाया। ओह मजा ना आए, पैसा वापस, तो बनाइएगा जरूर। ओह कोई बहाना नहीं चलेगा, हैं बनाना पड़ेगा।
डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज चेक इट आउट।